हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं अपना गार्डन का अपडेट देना चाहती हूँ फ्रेंड्स। चलिए फिर शुरू करते हैं सुंदर सुंदर फूलों से। देखिए फ्रेंड्स, यह है मेरा गुलाब का पौधा। इसमें ढेर सारा कलियाँ भी आया हुआ है और ढेर सारा फूल भी खिला हुआ है। देखिए इसका कलर को बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये लाइट पिंक कलर में है। इसका पेटल को देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये गुलाब का कलर डीप पिंक कलर में है। इसका पेटल को भी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को किस तरह दिखाई देता है मेरा गुलाब। पसंद आता है कि नहीं फ्रेंड्स? पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो ज़रूर बनता है फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत ये फूल का नज़ारा है। यहाँ मैं अपने गुलाब सब को लगा रखी हूँ। ये सब मेरा इंग्लिश गुलाब है। ये लाइट ऑरेंज कलर में है। इसका पेटल भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये ऑरेंज कलर में है। ये फूल का साइज देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा साइज में है। मैं आप लोग को ठीक तरह से दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्टैंड में कुछ पौधा सबको रखी हूँ। आप लोग सब गार्डनर सब हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं पौधा सबका नाम भी नहीं बता रही हूँ। आप लोग पौधा सबको देख के पहचान जा रहे होंगे। ये आपका सिंगोनियम है। ये स्पाइडर प्लांट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सलेन
कुछ पर्सलिन यहाँ पर लगा रखी हूँ, और ये टेंगल हार्ट है, ये बेसिन में लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा टेंगल हार्ट जमीन तक नीचे तक झुक रहा है, झूला जैसा झूल रहा है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। ये क्रोटन है, ये भी मेरा क्रोटन है, ये टर्टल वाइन है। देखिए किस तरह से गमला में पूरा भर गया है। ये मधुमलती का बेल है, मधुमलती देसी वैरायटी का है फ्रेंड्स, इसलिए इसका बेल बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ फैला हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ये गमला पे गेंदा लगा हुआ है, ये दीवार का साइड में गमला बनाया हुआ है, सीमेंटेड गमला है ये। देखिए फ्रेंड्स, मेरे फूल पौधों के साथ में मेरे एरिया का नज़ारा भी देख लीजिए फ्रेंड्स, किस तरह से मेरे एरिया का नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गुड़हल का फूल भी खिला हुआ है, कोहरा भी है फ्रेंड्स, पेंटासा का पौधा में पानी चाहिए फ्रेंड्स, आज मैं पानी दे दूंगी, ये थोड़ा मुरझा गया है। यहाँ मेरा पेंटासा का कलेक्शन है फ्रेंड्स, देखिए ये डीप पिंक कलर में है, आप लोग को शायद थोड़ा लाइट कलर में नज़र आता होगा। ये पर्पल कलर में है, लाइट पर्पल पर्पल कलर में है। ये जामुन कलर में है, ये गुलदाउदी है, ये फिर से पेंटास है, ये पीच कलर में है फ्रेंड्स। यहाँ मेरा कोलियस का वैरायटी सब है फ्रेंड्स, देखिए ये कोलियस है, बगल में
मुसंडा है फ्रेंड्स, व्हाइट कलर में मुसंडा है। एक कोलियस है, एक कोलियस है, एक गुड़हल है, क्रोटोन, कोलियस, एक कोलियस है। फिर से यहाँ फ्रेंड देखिए, रेड कलर में गुड़हल है। गुड़हल का नज़ारा देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये मेरा गेंदा का साइज देखिए फ्रेंड्स, ऑरेंज कलर में है। कुछ कुछ पौधा सबका नाम बता रही हूँ फ्रेंड्स, और कुछ कुछ पौधा सबका मैं नाम नहीं बता रही हूँ। आप लोग पौधा सबको देख के पहचान जा रहे होंगे, इसलिए नहीं बता रही हूँ। एक गुलदाउदी में ढेर सारा कलियाँ आया हुआ है। एक जोरा का प्लांट है, फ्रेंड्स मैं किस तरह से अपना गार्डन को सजा रखी हूँ उसको थोड़ा आप लोग नज़र कर लीजिए। मैं जिस ढंग से सजाई हूँ वो तरीका आप लोग को और डिज़ाइन आप लोग को पसंद आता है कि नहीं फ्रेंड्स, देखिए मेरा सजाने का तरीका। मेरा गार्डन आप लोग को किस तरह दिखाई देता है फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस तरफ मेरा गुलदाउदी का कलेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें कलियां ढेर सारा आया हुआ है। ये अब खिलने वाला है, कहीं कहीं खिलना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। ये बोगन भी लिया, यहाँ पर मेरा एरिका पाम का कलेक्शन है फ्रेंड्स। इस तरह से मैं एरिका पाम सबको सजा के रखी हूँ। यहाँ पर 3 गमला पिटूनिया का है फ्रेंड्स, वो भी खिलना चालू हो गया है, शुरू हो गया है। ये साइड में फिर से मेरा कोलियस का कलेक्शन है फ्रेंड्स, ये कोलियस का कलेक्शन है। देखिए इसका पेटल को इस तरह से है। मैं नज़दीक से आप लोग को दिखा देती हूँ।
ये अपराजिता का वेल है, व्हाइट वाला डबल पेटल का अपराजिता है। यहाँ फिर से कोलियोस है, इसका कलर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर मेरा कुछ गेंदा का कलेक्शन है, टेंगल हार्ट भी यहाँ पर मैं लगा रखी हूँ। ये है मेरा देसी वैरायटी का कोलियस। यहाँ पर मैं कुछ मिला जुला के पौधों सबको रखी हूँ। एक क्रोटन है, मोंटेविला है पिंक कलर में, और ये व्हाइट कलर में मोंटेविला। मेरा गार्डन का नज़ारा आप लोग को किस तरह दिखाई देता है फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट कीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।